टेक्नोराइज में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग वर्क्स मैनुअल में एक करेक्शन स्लिप आई है, करेक्शन स्लिप नंबर 12, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। करेक्शन स्लिप नंबर 12 आई है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं ये 13 तारीख को करेक्शन स्लिप जारी हुई है दोस्तों, 13 तारीख को जारी हुई है ये करेक्शन स्लिप, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल 2000 एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 12। तो आए जरा देखते हैं इस करेक्शन स्लिप के अंदर क्या स्पेशल है, क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, जरा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 12 टू इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल 2000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट डी के बारे में मेंशन किया। पार्ट डी इज स्टेशन यार्ड ड्रेनेज, स्टेशन यार्ड ड्रेनेज के बारे में यहाँ बात हुई है दोस्तों। पैरा 633 यानी पार्ट डी बेसिकली एक न्यू ऐड किया गया है जिसके अंदर पैरा 633 से आगे इंट्रोडक्शन किया गया है। मैं आपको जरा लेकर चलता हूँ आपकी वर्क्स मैनुअल में, एग्जिस्टिंग मैनुअल के अंदर। यहाँ आप देखिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, पार्ट ए इसका होता है ड्रेनेज एंड सीवरेज, पार्ट ए इसका है ड्रेनेज एंड सीवरेज। देन इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पार्ट बी हमारा है वाटर बोर्न सीवरेज। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अभी पार्ट सी हमारा आएगा। पार्ट सी आपको दिखा देते हैं हम लोग। ये ड्रेनेज के बारे में सब चीजें हो गई, सीवरेज के बारे में, एंड पार्ट सी इज मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज एंड ड्रेनेज। पार्ट सी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज एंड ड्रेनेज। तो दोस्तों इसका पैराग्राफ आप देखें, आपको लेकर चलते हैं हम आपको। आप देखिए इसका लास्ट पैराग्राफ क्या है, पैरा 631 632, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर एंड स्टाफ यानी AEL, ये लास्ट पैराग्राफ है। इसके बाद में दोस्तों चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है ना, तो अब इसके अंदर पैरा 632 के आगे ये नया इंट्रोड्यूस हो गया है चैप्टर नंबर 6 में, पार्ट डी जो कि स्टार्ट होता है पैरा 633 से। ठीक है, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ दिस करेक्शन स्लिप इज देर इज नो चेंज बट द एडिशन। ये चीज समझ लेने की है, कोई पुराने मैनुअल के अंदर कोई चेंज नहीं है बल्कि एक एडिशन किया गया है, जोड़ दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है हमारा ये करेक्शन स्लिप स्टेशन यार्ड एंड ड्रेनेज के बारे में, तो पैरा 633 इंट्रोडक्शन है, क्या है? द ड्रेनेज सिस्टम फॉर स्टेशन यार्ड इज क्रिटिकल फॉर सेटिस्फैक्टरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक सर्किट्स। आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों स्टेशन यार्ड के ड्रेनेज के बारे में IRSUD के अंदर जिक्र किया गया था, लेकिन हमारी वर्क्स मैनुअल में कहीं पे कोई इसके पहले मेंशन नहीं था। अब वो मेंशन वर्क्स मैनुअल के अंदर आ गया है। क्या कहा? द ड्रेनेज सिस्टम फॉर स्टेशन यार्ड इज क्रिटिकल फॉर सेटिस्फैक्टरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक सर्किट। यार्डों के अंदर, स्टेशन यार्डों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अहमियत है, इट इज वेरी क्रिटिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर सेटिस्फैक्टरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक सर्किट, ट्रैक के मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू भी और ट्रैक सर्किट के प्रॉपर वर्किंग के लिए भी। आपने देखा होगा, आमतौर पे आपने देखा होगा दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि स्टेशनों पे, खास करके जहां पर पैसेंजर स्टेशन यार्ड्स वगैरह हुआ करते हैं, तो वहां पर जो कैंटीन का पानी या इस प्रकार का जो भी स्टेशन पे जो भी है सीवेज वाटर एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कुछ भी होता है ये वहां पर जमा होने की वजह से आमतौर पे मड पंपिंग हमको बरसात के मौसम में, मॉनसून में आपको कहीं देखने को मिल सकती है ट्रैक में, लेकिन स्टेशन यार्डों में अक्सर जगह पे आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा इश्यू होता है मड पंपिंग वगैरह, इस वजह से एप्रॉन बनाना, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती है, गंदगी बहुत सारी होती है, तो ट्रैक में खराबी बहुत जल्दी आती है। तो एक तो हो गया मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक और दूसरा है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक सर्किट। अगर पानी में ट्रैक हमारा अक्सर टाइम पे सबमर्ज रहता है तो ट्रैक सर्किट के भी फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, असेट फेलियर बढ़ जाते हैं। इसके लिए क्या कहा कि ड्रेनेज सिस्टम दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक सेटिस्फैक्टरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक और दूसरा प्रॉपर फंक्शन ट्रैक सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अब उन्होंने उसके बारे में बात की है, वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज, कौन कौन से सोर्सेस हैं? सच एज रेन, वॉशेबल एप्रॉन, कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट, वाटर बूथ्स, प्लेटफॉर्म सर्फेसेस एटसेट्रा और एनी अदर नियर बाय सोर्स मस्ट बी इफेक्टिवली ड्रेन आउट। अब पानी कहाँ कहाँ से आएगा? बारिश का मौसम है तो बारिश की वजह से, दूसरा वॉशेबल एप्रॉन है,
तो ठीक है, वॉशेबल एप्रॉन पे से ना, वॉशेबल एप्रॉन पे गंदगी होती है तो उसको क्लीन किया जाता है। इसी तरह से कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट, आपने देखा होगा कि जो है पैसेंजर ट्रेन जहाँ पर भी जिन भी स्टेशनों पर रुकते तो वहाँ वॉशिंग हाइड्रेंट्स होते हैं, पीछे पाइप होती है, स्टेशन आते तो पुराना वाटर को ड्रेन आउट करना पड़ता है, फ्रेश वाटर को भरना पड़ता है। आपने देखा होगा टॉयलेट्स एंड ऑल सेक्शंस में, तो वहाँ कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट वो पानी, वाटर बूथ्स पीने के पानी का प्याऊ वगैरह हमारा होता है वो। इसी तरह से कोई प्लेटफॉर्म सर्फेसेस पे कैंटीन वगैरह हुआ करती है, इस प्रकार से जो भी स्पिलेज वगैरह होता है, ये सारी चीजें, तो ये सारे सोर्सेस हैं, है कि नहीं। तो जो भी पानी है, वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज रेन, वॉशेबल एप्रॉन, कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट, वाटर बूथ्स, प्लेटफॉर्म सर्फेस एटसेट्रा और एनी अदर नियर बाय सोर्स मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी इफेक्टिवली ड्रेन आउट। उसको इफेक्टिवली ड्रेन आउट करना, देखिए पानी को आप रोक नहीं सकते दोस्तों, पानी को आप रास्ता दे सकते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो भी पानी जिन जिन भी सोर्सेस से आता है, तो उसको इफेक्टिवली ड्रेन आउट करना, क्विकली ड्रेन आउट करना है इसको, ठीक है। अब आगे बात हो रही इफेक्टिव ड्रेनेज की। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम प्रिवेंट्स वाटर एक्यूमुलेशन, यानी पानी के ठहराव को रोकता है। इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम प्रिवेंट्स वाटर एक्यूमुलेशन दैट कुड पोटेंशियली डैमेज, अगर उसको एक्यूमुलेशन को नहीं रोका तो वो क्या करेगा, इट इट कुड पोटेंशियली डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉज ऑपरेशनल डिलेज। उससे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी डैमेज होगी और ऑपरेशनल ट्रेन यानी गाड़ियां डिले हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर इसका क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। एक तो आपको बता देते हैं, अगर ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैक में कहीं मड पंपिंग वगैरह रहेगी, ठीक है ना, मड पंपिंग वगैरह जैसा कोई केस रहेगा तो वहां क्या होगा, ट्रेन की स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। पीडब्ल्यू वहां पे जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है, अगर थ्रू एंड थ्रू गाड़ी है तो रुक रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर भी गाड़ी धीरे जाएगी। दूसरा है ट्रैक सर्किट का फेलियर, ऑपरेशनल डिले में ट्रैक सर्किट का फेलियर, ट्रैक डाउन हो गया, पता चला अरे वो फला जगह पर ट्रैक डाउन हो गया, तो वहां पीडब्ल्यू दौड़ेगा, एसआई दौड़ेगा, ये दौड़ेंगे जाके देखेंगे क्या है, उसको एड्रेस करेंगे, है कि नहीं। कई बार क्या होता है स्लीपर फेल हो गई, कभी कुछ हो गया, स्लीपर शॉर्ट हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, दीज आर द फैक्टर्स। तो ये सब ऑपरेशन डिलेज वगैरह होते हैं। देयरफॉर डिजाइनिंग एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम सुटेबल फॉर ईच यार्ड्स यूनिक लेआउट इज एसेंशियल। इसलिए क्या कहा, देयरफॉर डिजाइनिंग एन एफिशिएंट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, देयरफॉर डिजाइनिंग एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम सुटेबल फॉर ईच यार्ड्स यूनिक लेआउट इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एज वेल एज सेफ्टी ऑफ पीवे, है कि नहीं। पीवे की सेफ्टी के लिए भी, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए भी यार्ड के बहुत जरूरी है। यहाँ इन्होंने दोस्तों ये जो यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया है, डिजाइनिंग एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम सुटेबल फॉर ईच यार्ड्स यूनिक लेआउट। देखिए इसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड लेआउट नहीं है दोस्तों, कि आपको जो है जैसे नॉर्मली हमारे रेलवेज में होता है बहुत सारी चीजों के लिए स्टैंडर्ड, जो है प्लेटफॉर्म का शेड किस प्रकार का होना चाहिए उन्होंने कुछ टाइप्स दे दिए, आप क्वार्टर्स है तो क्वार्टर्स के भी कुछ अलग अलग टाइप्स दे दिए तो उसको यूज कर लो, ऐसे यहाँ पर ड्रेनेज के लिए आप स्टैंडर्ड लेआउट यूज नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी यार्ड इज यूनिक इन इट्स ओन नेचर, ईच एंड एवरी यार्ड इज यूनिक इन इट्स ओन नेचर, उसका एक यूनिक लेआउट होगा एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिजाइन इट, उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस के लिए हमारा जो है इस करेक्शन स्लिप में हमको गाइड करने के लिए कुछ लेआउट के बारे में जरूर बताया गया है, ठीक है। डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉर यार्ड ड्रेनेज सिस्टम, पैरा 634 है हमारा, डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉर यार्ड ड्रेनेज सिस्टम, इसमें अप्रोच जनरल अप्रोच क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जिस्टिंग यार्ड्स एज न्यू यार्ड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड, फॉर एग्जिस्टिंग यार्ड एज वेल एज न्यू यार्ड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो मौजूद है यार्ड वो और जो नई यार्डें बनाई जा रही है दोनों के लिए। फॉर एग्जिस्टिंग यार्ड एज वेल एज न्यू यार्ड बीइंग कंस्ट्रक्टेड द यार्ड लेआउट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स एंड टोपोग्राफी ऑफ द यार्ड लोकेशन दैट इज फिजिविस क्या एडजेसेंट, अभी टोपोग्राफी में क्या जाएगा, एडजेसेंट एरियाज एरिया वेरीज फ्रॉम एडजेसेंट एरिया वेरीज फ्रॉम वन यार्ड टू अनदर यार्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जिस्टिंग यार्ड एज वेल एज न्यू यार्ड, जो भी नई पुरानी यार्ड है उसके यार्ड लेआउट, दो ट्रैक के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, फिर टोपोग्राफी यानी आस पास में क्या है भाई, वहां पे आपका जो है नेचुरल वाटर ड्रेन किधर पे है कि नहीं।
वो सब किधर है, वो हर यार वेरी करेगा। दस इसलिए क्या कहा, दस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एग्जैक्टली स्टिपुलेट सिंगल यार्ड ड्रेनेज सिस्टम विच कैन बी यूज फॉर ऑल द यार्ड। इसलिए क्या कहा, इसलिए कोई एक यार्ड का सिंगल यार्ड ड्रेनेज सिस्टम आपको दे दिया जाए कि देखिए भाई इस तरीके के यार्ड का डिजाइन होना चाहिए ड्रेनेज का, बस इसको फॉलो कर लो, ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ पे कहा है, दस इट मे नॉट बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एग्जैक्टली स्टिपुलेट सिंगल यार्ड ड्रेनेज सिस्टम विच कैन बी यूज फॉर ऑल द यार्ड्स। इस वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस देने पड़ेंगे फील्ड स्टाफ को। उसके लिए क्या कहा, हावेवर हावेवर फॉर गाइडेंस गाइडेंस के लिए अ टिपिकल ड्रेनेज अरेंजमेंट इज गिवन फॉर अ कॉमन यार्ड कॉन्फिगरेशन विथ फोर लाइंस, दैट इज टू मेन लाइंस एंड टू लूप लाइंस। क्या कहा जा रहा है, लेकिन फील्ड स्टाफ के गाइडेंस के लिए एक टिपिकल ड्रेनेज अरेंजमेंट दिया गया है। कहाँ दिया गया है उसको भी उन्होंने मेंशन किया है, कहाँ दिया है, Figure 1A, Figure 1B और Figure 1C। ये तीन अलग अलग डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने तीन अलग अलग फिगर दे दिया टिपिकल ड्रेनेज अरेंजमेंट के लिए, ठीक है ना, फील्ड स्टाफ के गाइडेंस के लिए। फॉर कॉमन यार्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर चार लाइनें हैं, दो मेन लाइन और दो लूप लाइन है, ठीक है ना, इसके हिसाब से उन्होंने क्या है आपको गाइडलाइंस के तौर पे कुछ जो है ड्रेनेज अरेंजमेंट दिया है, विच वी विल बी सीइंग नाउ, अभी हम लोग उसको देखेंगे। फिर आप आगे आपको कहते हैं कि ये इनसे आपको गाइडेंस लेके आपको अपना पर्टिकुलर यार्ड का जो भी कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंगली यू नीड टू मॉडिफाई, यू कैन नॉट फॉलो इट जस्ट ब्लाइंडली, क्योंकि वहाँ क्रॉस ड्रेन किधर है और नेचुरल ड्रेन किधर है वो सब वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू नीड टू सुटेबली मॉडिफाइड। कोई बात नहीं, आए चले हम लोग चलेंगे Figure 1A, 1B और 1C की तीन अलग अलग ट्रिपिकल ड्रेनेज अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं Figure 1A में। देखिए Figure 1A टिपिकल ड्रेनेज लेआउट इन अ यार्ड, टिपिकल ड्रेनेज लेआउट इन अ यार्ड, ये इसी करेक्शन स्लिप का पार्ट है दोस्तों, ये भी आपको मैं बताता चलूं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीजें दी गई है पहले हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं ना, समझने के लिए हम लोग थोड़ा कुछ कलर्स यूज करेंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों ये हमारी एक मेन लाइन है ना, और ये दूसरी मेन लाइन है। अब इसमें से आप कैसा भी इनको समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डाउन लाइन होगी और ये मान के चलो अप लाइन है, ठीक है। इन्हीं के साथ में जुड़ी हुई हमारी और दो लाइनें और हैं, ठीक है, इन्हीं के साथ जुड़ी हुई दो लाइनें और, देखिए एक ये लाइन हो गई, ये एक लूप लाइन हो गई, डाउन लूप लाइन पकड़ लो आप इसको, और ये अप लूप ले लीजिए आप इसको, डाउन लूप एंड अप लूप, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों ड्रेनेज करना है, ठीक है ना, यहाँ पर ड्रेनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पर हमारा दोस्तों देखो बिल्कुल मैं आपको रिवर्स में लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये है आपका नियरेस्ट आउटफॉल, यानी कि जो नेचुरल ड्रेन वगैरह होगा जिसमें जाके सारे पानी को जाना है, ये आपका नेचुरल नियरेस्ट आउटफॉल है, नजदीकी आउटफॉल जो यानी जो ड्रेन होगा, नाला होगा, वॉट एवर वाटर बॉडी होगी जिसमें ये जाना है। यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट कैसा किया हुआ है कि ये दो लाइनें हैं मेन लाइन ना, ये मेन लाइन और ये मेन लाइन, इनके बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ड्रेन लाइन है कि नहीं, देख रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, ठीक है। मैं रेड कलर से सॉलिड रेड कलर सॉरी सॉलिड ब्लू कलर से मैं इसको आपको दर्शाऊंगा, सॉलिड ना एक मिनट, सॉलिड ब्लू कलर से मैं आपको दर्शा रहा हूँ। ये देखिए ये आपकी लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन यहाँ पर हो गई दो लाइनों के बीच में, समझ रहे हैं, दो लाइनों के बीच में आपने दोनों मेन लाइन के बीच में एक उन्होंने सॉलिड ड्रेन रख दी, और इस प्रकार से यहाँ पे अब पानी का देखिए यहाँ का पैटर्न, ये मेन लाइन ये लूप लाइन, फिर ये मेन लाइन ये लूप लाइन, इसका डायग्राम देखिए दोनों दोस्तों, इसका एक क्रॉस सेक्शन अगर हमको समझना हो, अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन हमको समझना हो तो वो क्रॉस सेक्शन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये क्रॉस सेक्शन इसका यहाँ पर दिया गया है, सेक्शन अगर यहाँ से हम काटेंगे हमें कैसा प्रतीत होगा, कैसा दिखेगा, वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते चले ये थोड़ा, ये प्लेटफॉर्म पे भी लेके चले जाएंगे यही क्रॉस सेक्शन को, हम लोग और आगे लेके गए थे प्लेटफॉर्म भी, तो देखिए ये वाला पार्ट में आपको बताता चलो था। देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, ये आपकी लूप लाइन, ये रही आपकी लूप लाइन, ये आपकी है मेन लाइन, ये रही आपकी मेन लाइन,
ये आपका लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, ये आपका लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, ये मेन लाइन, ये मेन लाइन, ये बीच का प्लेटफॉर्म आइलैंड प्लेटफॉर्म, ये यहाँ पे आइलैंड प्लेटफॉर्म, ये लूप लाइन, ये लूप लाइन, और फिर बाद में यहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन और है इस पर्टिकुलर लेआउट में, एक और लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है ये वाला, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि इस प्रकार से है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि ये जो है पानी इस लूप लाइन से मेन लाइन का, इसका जो स्लोप होगा ये टुवर्ड्स ये वाली जो है ना, दोनों मेन लाइन के बीच में जो ड्रेन है टुवर्ड्स देम होगा ना, ये यहाँ पर आप देखें ना, ये पानी जैसा है जो भी होगा इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा कि ये पूरा का पूरा पानी इस ड्रेन के अंदर आ जाए, यानी यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो अप लूप लाइन है, सॉरी अप मेन लाइन है, इसका पानी जो होगा, इसका पानी जो होगा ये भी इसी ड्रेन में जाना है, ये भी क्या होना है इसी ड्रेन में जाना है। तो इस प्रकार से जो पानी होगा, इस प्रकार से जो भी पानी होगा ये सारा का सारा जो है इस ड्रेन में आ गया, यानी इस लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन में, यानी दो लाइनों के बीच में जो ये ड्रेन थी इसके अंदर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर एक और ड्रेन आपकी देख रहे हैं आप एक और ड्रेन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो ड्रेन है ये यहाँ पे से इस प्रकार से पानी का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो दूसरी लूप लाइन है, दूसरी लूप लाइन के बाहर एक ड्रेन है ना, तो यहाँ लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है, ये आके पानी जो है आपका इसको आके मिल गया, ठीक है, ये पानी इसमें आ गया, यानी कि एक लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, ठीक है। और अब इसमें आप देखें गौर से, अब इसमें आप देखें ये पानी जो है यहाँ का, अगर इसको मैं प्लान में बताऊं ना दोस्तों तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, प्लान में बताऊं तो कोई मुश्किल नहीं है, ये जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया ये पूरा का पूरा पानी जो होगा ये सारा का सारा, ये सारा का सारा ये पूरा आ जाएगा इस लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन के अंदर, और यहाँ का जो पानी होगा ये इसमें चला गया, ठीक है ना, ये इसके अंदर चला गया। अब इसी तरीके से इस तरफ का जो पानी होगा, इस प्लेटफॉर्म से इस तरफ का जो पानी होगा ये जो होगा ये पूरा का पूरा दूसरी जो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है इसके अंदर आ गया, ठीक। अब ये जो पानी इसके अंदर चला गया, अब ये दोनों ड्रेन को जोड़ने के लिए बीच में है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस ड्रेन, दिख रहा है ना, अंडरग्राउंड यानी कि कवर्ड होगा, क्रॉस ड्रेन होगी, अंदर ही अंदर जो है कनेक्टेड होंगे, उसको क्या कहा है क्रॉस ड्रेन। तो क्रॉस ड्रेन को मैं फिर एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो क्रॉस ड्रेन क्या कर दी, इन दोनों को आपस में इसने कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया, और इस प्रकार से ये सारी के सारी क्रॉस ड्रेन है ये आपस में जुड़ी हुई है, और ये जाके आउटफॉल, आउटफॉल यानी कि जो भी नजदीकी आपकी जो है नेचुरल आउटफॉल होगी, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी होगा जैसे कि नाला होगा या कोई इस तरह कोई ड्रेन होगी, कैनाल होगी, या सिटी लिमिट है तो वहाँ कोई सिटी लिमिट की कोई बड़ी ड्रेन होगी, जो भी होगा म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर या ग्राम पंचायत व्हाटएवर, उसको जाके ये कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, उसको लेके जाके इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ये फिगर 1A है, ऐसे हमको और फिगर्स भी देख रहे हैं, देखिए ना ये सारा का सारा पानी जो है इसके अंदर आ गया, ये आपस में कनेक्टेड है, और वाटर विल ज्वाइन इट लाइक दिस, और यह हो गया, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन यहाँ का है, इसी तरीके से अब ये क्रॉस ड्रेन को अगर आप देखेंगे ना, ये पहला डायग्राम है, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे इसके बाद वाले। ये देखिए ये आपका हो गया ये वाला पार्ट, ये देखिए ये क्रॉस ड्रेन, ये क्रॉस ड्रेन है तीसरी, ये वाली क्रॉस ड्रेन, ठीक है। अब इनके अंदर ये तो मैंने अक्रॉस द ट्रैक मुझे स्लोप बताया था, इसी तरीके से यहाँ पर एक और आपको लॉन्ग अलॉन्ग द लेंथ एंड लॉन्जिट्यूडनल स्लोप भी प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पे दिया है 1:350 का स्लोप है ना, ठीक है ना। तो ये टोटल यार्ड ड्रेनेज 1:1200, यार्ड ग्रेडियंट 1:1200 है ना, ये रिकमेंडेड है बेसिकली, यार्ड ग्रेडियंट 1:1200 का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से आपको पावर ट्रैक सेंटर ऑफ 5300 मैक्सिमम एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन 1000, यानी कि यहाँ पर दो ट्रैक के बीच में जो दूरी है, ये जो डिजाइन इन्होंने बताया है, ये ट्रैक सेंटर की वैल्यू बता रहे हैं कि ये ट्रैक सेंटर उन्होंने क्या पकड़ा है ये एक्सप्लेन करने के लिए, कि भाई ये जो दोनों ट्रैक सेंटर है इनके बीच में दूरी कितनी है 5300 mm, यानी नए लेआउट के में जैसा होता है 5300 mm के हिसाब से इन्होंने डायग्राम बनाया, एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन जो है ना ये, यानी यहाँ से शुरू हो और यहाँ जाके इसके मैक्सिमम डेप्थ कितनी होगी
1000 mm के हिसाब से इन्होंने बताया, यानी कि ट्रैक सेंटर 5300 और मैक्सिमम, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लोप है यहाँ पे ना, बट ड्रेनेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ जो है डेप्थ कम होगी, दूसरे जाके धीरे धीरे स्लोप बढ़ते जाएगा, तो ये बढ़ते जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि वो भी कितना है, वो भी उन्होंने बताया कि 1000 mm डेप्थ तक, ठीक है। तो इसको इन्होंने कैसा इसको डिवाइड किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है नहीं, 1 in 350 का, यानी ये यार्ड का ओवरऑल ड्रेनेज ग्रेडियंट है 1 in 1200, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये जो पार्ट है करीब 271 meters का पार्ट दिया है, इसके अंदर उन्होंने जो ड्रेनेज आपको बताया है वो ये है आपका 1 in 350, यहाँ पे प्रॉपर लिखा नहीं है, ये 1 in 350 है, ठीक है। हाँ ये 271 meter दूरी से, इसी तरह से 149, 1 in 350 यहाँ पर हो गया, वो 1 in 350, ये 271 meter, इस प्रकार से ड्रेनेज इन्होंने किया है ताकि आपस में क्रॉस ड्रेन कनेक्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन जहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से जाके ये दो क्रॉस ड्रेन को, जैसे एक ये क्रॉस ड्रेन को आके कनेक्ट हुआ, फिर ये जो है यहाँ का पानी पूरा है, ये दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गया, इस प्रकार से ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो दिस इज फिगर 1A, टिपिकल ड्रेनेज लेआउट इन ए यार्ड, ठीक है। होपफुली आपको ये वाला डायग्राम समझ गया तो अगले आपको समझने में सहूलत होगी। दूसरा फिगर 1B भी आपको दिखा देते हैं, 1A हो गया, अब ये रहा आपके सामने दोस्तों 1B, ठीक है, ये 1B है। यहां पर भी दोस्तों मैं मोटा मोटी तौर पे थोड़ा जल्दी जल्दी में जाऊंगा, ये देखिए ये आपकी हो गई मेन लाइन, मैं मेन लाइन बना देता हूँ बाकी आप सब समझ जाएंगे, ये रही आपकी मेन लाइन और ये दोनों लूप लाइनें हो गई। अब यहाँ पर क्या है, दो क्रॉस ड्रेन देने की जगह, देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दोनों एंड्स में है, वहां पे कैसा था बीच में एक आइलैंड प्लेटफॉर्म था ना, यहाँ बीच में नहीं है, प्लेटफॉर्म एक ये एंड में है और एक ये एंड में, दोनों एंड एंड में प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है दोस्तों बिल्कुल सेंटर में दी गई है, कहाँ दी गई है, सेंटर में, दोनों ट्रैक के बीच में सेंटर में क्या है, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन प्रोवाइड की गई है, एज यू कैन सी हियर, ये लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है और स्लोप जो है जाहिर सी बात है कि पानी को कैसा आना है वो सीधे सीधे इस प्रकार से टुवर्ड द ड्रेन ही आएगा, लूप लाइन मेन लाइन दोनों डाउन तरफ की, इसी तरह से अप तरफ की अभी जो भी पानी होगा ये सारा का सारा इस प्रकार से पास होगा, इस ड्रेन की तरफ बढ़ेगा। इस ड्रेन के लिए बीच में यहाँ पर जैसे पहले दिया गया था, यहाँ पर भी हमारा एक क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड कर दिया है, एक दो जो भी सुटेबल होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में 2-3 दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे इन्होंने क्रॉस ड्रेन दे दिए, और यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर उनका एक अजम्पशन है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कोई एक नियरेस्ट वाटरफॉल है, आउटफॉल है, मतलब नियर वाटरफॉल कह दिया, सॉरी आउटफॉल है, इस आउटफॉल के अंदर जो भी पानी होगा ये लेके जाके सीधे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्रॉस सेक्शन वगैरह आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, ये स्लोप वगैरह जैसे वहां पे था ना ये सब वही है, फॉर ट्रैक सेंटर 5300 मैक्सिमम डेप्थ 1000 mm, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन ये 1 in 350, 1 in 350 जैसे वहां बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी है। ये हो गया हमारा फिगर 1B। अब आगे बढ़ते तीसरा हमारा जो अरेंजमेंट है वो भी यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि ये जो Type-C है इसके अंदर प्लेटफॉर्म आपके दोनों तरफ आइलैंड प्लेटफॉर्म, यानी दोनों तरफ लाइनें हैं, ये इस टाइप का प्लेटफॉर्म है कि नहीं, यानी पहले में क्या था एक तरफ होम था बीच में आइलैंड था, दूसरे में क्या था दोनों तरफ होम प्लेटफॉर्म था, यहाँ दोनों तरफ आइलैंड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये रही आपकी मेन लाइन डाउन मेन और ये समझिए आपकी अप मेन, एंड करस्पॉन्डिंग इसके लूप लाइन है, ठीक है। तो इसमें भी क्रॉस सेक्शन अभी आप समझ जाएंगे कि लॉन्जिट्यूडनल ड्रेने कहाँ कहाँ पर है, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रोवाइड की गई है। तो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन सबसे पहले तो दो ट्रैक के बीच में मेन लाइनों के बीच में है, फिर बाद में ये जो दोनों प्लेटफॉर्म के एंड्स में भी लॉन्जिट्यूडनल ड्रेने हैं ना, ये लॉन्जिट्यूडनल ड्रेने हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है इतना समझ गए आप तो अभी आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि ये जो पानी होगा, पानी जो होगा जैसे आप डायग्राम में देख रही है प्लेटफॉर्म से टूवर्ड्स लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है नहीं, दोनों प्लेटफॉर्म से पानी टूवर्ड ड्रेन चला गया, और ये जो दूसरा जो है प्लेटफॉर्म से ये लूप लाइन से टुवर्ड्स इधर के ड्रेन में चला गया और ये चला गया इस तरफ ना, इस ड्रेन में चला गया, एंड दीज ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, देखो क्रॉस स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है, फिर ये सारे के सारे कनेक्टेड किसके साथ है, इनके बीच में हमने क्या दिया है,
क्रॉस ड्रेन प्रोवाइड कर रखा है, वी हैव प्रोवाइडेड क्रॉस ड्रेन्स। ठीक है, ये क्रॉस ड्रेने हमने प्रोवाइड कर रखी है, कुछ इस प्रकार से क्रॉस ड्रेने हैं, ये कनेक्टेड है। और ये देखिए लॉन्जिट्यूडनल में ओवरऑल ग्रेडियंट 1 in 1200 और वही 1 in 350 का जो है इनवर्ट लेवल के हिसाब से ये आपका क्रॉस ड्रेन क्रॉस ड्रेन क्रॉस ड्रेन, और ये स्लोप किस तरीके से यहाँ पर सेम चीज कंडीशन वही दी गई है। यहाँ पर भी ट्रैक सेंटर 5300 और लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन मैक्सिमम डेप्थ 1000 के हिसाब से इन्होंने डिजाइन करके आपको गाइडलाइन के तौर पे दिया हुआ है। जो भी नजदीकी आउटफॉल होगा, जो भी नजदीकी आउटफॉल होगा वहां जाके पानी पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरफ हो चाहे इस तरफ, या यहाँ पे इन्होंने दोनों तरफ का दिखा के आपको एक्सप्लेन करने के दे दिया है, समझाने के लिए दे दिया है। होपफुली ये तीनों डायग्राम दोस्तों आपको समझ में आ गया होंगे, Type 1, Figure 1A, 1B एंड 1C, ये तीनों केसेस हमने आपके सामने दिखा दिए। ओके ठीक है दोस्तों, अभी आपने तीनों फिगर देख लिया, आई थिंक आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार का अरेंजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने देखे होंगे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे यूज किए गए थे, तो उन्हीं से में से एक एक चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स के बारे में, पहला है यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स के बारे में क्या कह रहे हैं, वाटर एंटरिंग थ्रू ट्रैक ब्लास्ट, क्या कहा, वाटर एंटरिंग थ्रू ट्रैक ब्लास्ट एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड इन लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स बिटवीन दी ट्रैक्स। जो भी पानी आपके ट्रैक ब्लास्ट के थ्रू एंटर होता है टॉप ऑफ फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है दोस्तों ये तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे फिर से बताता चलूँ। ये समझो ये मेरा रेलवे ट्रैक है, ये स्लीपर है यानी कि, और ये मान के चले हमारा कच्चा पक्का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये फॉर्मेशन का टॉप लेवल है, ये फॉर्मेशन का टॉप लेवल है, और ये ले लीजिए ये आपका समझो ब्लास्ट है, ब्लास्ट का प्रोफाइल कच्चा पक्का मैंने बनाने की कोशिश की है, सॉरी ये इस प्रकार से हमारा ब्लास्ट हो गया। और ये रहा दोस्तों यहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरा एक लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन है जो हमने अभी बनाया था ना, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन ऐसा कुछ यहाँ पर है, तो क्या कहा, वाटर एंटरिंग थ्रू ट्रैक ब्लास्ट एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन, जो भी पानी यहाँ पर आएगा ब्लास्ट के टॉप ऑफ ना, तो ये जो भी ब्लास्ट में आएगा पानी कैसा परकुलेट होगा दोस्तों, पानी जो भी आएगा ट्रैक में ये स्लीपर के बीच में जो क्रिप ब्लास्ट है वहां से शोल्डर से सब जगह से पानी जाएगा। अब ये पानी जो जाएगा ये यहाँ पर मान के चलो मेरा ड्रेनेज है, ये जाएगा तो क्या, द वाटर एंटरिंग थ्रू ट्रैक ब्लास्ट एंड ऑन टॉप ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड इन द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन। तो मैंने एक टिपिकल डायग्राम दोस्तों बनाया है, दिस इज नॉट वेरी परफेक्ट, एक टिपिकल डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की कि ये समझो हमारा एक ड्रेनेज हो गया, तो जो भी पानी होगा ये क्या जाएगा, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है ये इट विल गो इनसाइड दिस ड्रेन। अगर इस तरफ का भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो इधर की कोई ड्रेन होगी तो वो यहाँ पे भी जाएगा, मैं एक तरफ आपको मैंने बता दिया। दीज ड्रेन्स हैव सर्कुलर होल्स, ये जो है ना ये मेरी जो ड्रेन है ना इसको हमने नाम दे दिया, ये समझो हमारी एक ड्रेन है, दिस इज अ ड्रेन, ठीक है, जिसके अंदर पानी को जाना है। अब ये जो ड्रेन होगी ना दोस्तों अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक ड्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये ड्रेन कैसी होगी। सॉरी ये जो ड्रेन होगी बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, तो ड्रेन होगा तो ड्रेन के लिए नीचे उसका इस प्रकार का ड्रेनेज होता है ना, कम से कम ये तीन चीज होती है ना चैनल टाइप के, तो पानी जो आएगा ये तो ये समझो इसका एक इनवर्ट लाइन हो गया, ये आ गया पानी, ये फॉर्मेशन का टॉप है मान के चलो ना, समथिंग ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट है। तो यहाँ जो पानी आएगा तो इसके बीच में यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपका, इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, होल्स होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट समझाने के लिए आप एक होल दिखा दे रहा हूँ मैं आपको बेसिकली, समझ रहे ना, ताकि जो भी पानी आएगा इस होल के थ्रू पानी आएगा, तो वॉट एवर द वॉटर इज कमिंग, जो भी वाटर रश आउट होगा वो पूरा का पूरा आएगा ये ड्रेन में, ठीक है, यही कहा। दीज ड्रेन्स हैव सर्कुलर होल्स ऑन द साइड्स एंड विद ग्रेटेड कवर एट टॉप ऑफ द वाटर एंट्री, और ऊपर जो है जाली होगी, ऊपर जो है ना जाली होगी, ग्रेटेड कवर कहा ना उन्होंने, तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर लेके यहाँ पे एक जाली बना देता हूँ, ठीक है ना, ग्रेटेड कवर यानी कि जो जालियां होती है ना, यानी पानी अगर आना चाहे इधर होल्स में से भी आएगा पानी, एट द सेम टाइम बारिश हो रही है डायरेक्ट जो पानी अगर सरफेस पे से भी अगर कहीं से पानी आता है तो
तो ये ग्रेटेड कवर है, तो ये इसके अंदर सीधे पानी चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर जो है ना वाटर आके एक्युमुलेट होगा ये लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन के अंदर, और ये उसको आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यही कहा है उन्होंने, वाटर एंटरिंग थ्रू ट्रैक बलास्ट एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड इन लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन बिटवीन द ट्रैक। दीज ड्रेन्स हैव सर्कुलर होल्स ऑन द साइड्स। अब ये तो मैंने क्रॉस सेक्शन में बताया, अगर लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन के अगर मैं अलोंग द लेंथ बनाऊंगा, अगर मैं अलोंग द लेंथ ऐसा बनाता हूँ एक वॉल को, तो इसके अंदर व्हाट यू विल फाइंड, आप जगह जगह पे यू विल फाइंड डिफरेंट होल्स। व्हाट यू विल फाइंड, आपको जगह जगह पे इसमें होल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी बलास्ट के अंदर पानी जमा होता है टॉप ऑफ फॉर्मेशन भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों ना लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन के बारे में। दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है चेम्बर्स। चेम्बर का मतलब क्या होता है वो भी जरा समझा देते हैं आपको, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। चेम्बर्स, अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन चेम्बर शुड बी प्लेस एट सुटेबल लोकेशन फॉर इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन। अब क्या है कि लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन से पानी आता है तो जगह जगह पे इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए चेम्बर। चेम्बर बेसिकली क्या होता है दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता है ना सीवेज के अंदर मैन होल होता है, तो मैन होल जैसा ही चेम्बर भी होता है, लेकिन फर्क यह है कि मैन होल के अंदर किसी आदमी को जाके क्लीन वगैरह करना। चेम्बर बेसिकली ना कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक जस्ट इमेजिन कि ये रही मेरी लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, इस प्रकार से पास हो रही है और यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन है कहीं आपकी क्रॉस ड्रेन, यहाँ से क्रॉस ड्रेन है, यहाँ एक क्रॉस ड्रेन है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो पानी आ रहा है, वो आएगा इस तरह से, कुछ पानी यहाँ से आएगा, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा और यहाँ का पानी यहाँ जाएगा। अभी इनको जाना है इधर, बराबर, ये ग्रीन वाली क्रॉस ड्रेन है आपकी, इनको जाना है इधर। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का जो जंक्शन है, बेसिकली द जंक्शन पार्ट वी प्रोवाइड चेम्बर ओवर हियर। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ चेम्बर प्रोवाइड कर देते हैं। अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स चेम्बर शुड बी प्लेस्ड एट सुटेबल लोकेशन। अब सुटेबल लोकेशन जैसे मैंने अभी क्रॉस ड्रेन बता दिया, या अगर बहुत ज्यादा दोनों के बीच में दूरी है तो यहाँ पे हो सकता है एक आधा और देना पड़े तो वो भी दे दिया जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है, फॉर इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, ताकि वो क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि कैसा स्टेशन एरिया वगैरह है, कुछ ब्लॉकेज हो जाएगा, कोई भी चीज ड्रेन है तो क्लीन वगैरह करने के लिए जंक्शन पे जगह पे चेंबर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्रॉस ड्रेन के बारे में बात हो रही है, क्या कह रहा है, क्रॉस ड्रेन्स वाटर फ्रॉम द चेंबर्स, वाटर फ्रॉम द चेंबर्स विल बी ड्रेन आउट थ्रू द सुटेबल आउटफॉल अरेंजमेंट इंक्लूडिंग क्रॉस ड्रेन्स वेर एवर नीडेड। लेकिन जो भी पानी आपका पानी वाटर फ्रॉम द चेंबर यानी पानी आया चेंबर में विल बी ड्रेन आउट थ्रू सुटेबल आउटफॉल इंक्लूडिंग क्रॉस ड्रेन्स वेर एवर, जहां पर भी होगा चेंबर से कनेक्ट करके क्रॉस ड्रेन है। देखिए ये देखिए अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्रैक, देखिए ये लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन और क्रॉस ड्रेन का कॉन्सेप्ट ही आप समझ लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी समझे एक रेलवे लाइन है, मेन लाइन है, ठीक है ना, इसके पैरेलल में यानी ट्रेन डायरेक्शन हमारी इस प्रकार से है। ठीक है, इसके पैरेलल में जो ड्रेन है उसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, क्योंकि अलॉन्ग द लेंथ है, और उससे जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्रॉस ड्रेन, इन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्रॉस ड्रेन। ओके, फिर पॉइंट नंबर फोर देख लेते हैं इसके अंदर अभी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर नंबर है, क्या है, पंपिंग अरेंजमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द यार्ड। क्या कहा, डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द यार्ड विस अ विस एडजेसेंट एरिया पंपिंग अरेंजमेंट में आल्सो बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेंबर्स और सम्प्स फॉर पंपिंग आउट ऑफ वाटर टू नियरेस्ट आउटफॉल और वाटरवेज। क्या कहा, यार्ड के टोपोग्राफी के ऊपर यानी कि आसपास के एरिया, डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द यार्ड विस अविस एडजेसेंट एरिया पंपिंग अरेंजमेंट में ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेंबर्स और सम्प्स फॉर पंपिंग ऑफ वाटर टू नियरेस्ट आउटफॉल और वाटरवेज। हो सकता है कि कहीं पर जो है आपको नेचुरल स्लोप प्रॉपर नहीं मिलता होगा और पानी पूरी की पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं हो पाता होगा, तो वहां पे हमने क्या किया है, हमने सारा का सारा पानी कहाँ पर ले आया है, वी हैव ब्रॉट ऑल द वाटर इन द चेंबर। अभी मैंने बनाया था ना लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन बनाया था, फिर मैंने क्रॉस ड्रेन, जैसे यहाँ पर ये लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन हो गई, ये हो गई आपकी से क्रॉस ड्रेन, और यहाँ पर आपका क्या है, चेम्बर है। ठीक है, अब पानी तो इधर तक तो आ गया, पानी ये चेम्बर में तो आ गया, लेकिन अभी इसको पंप आउट करना है, नहीं हो पा रहा है,
हम क्या करेंगे, इस चेम्बर के अंदर एक सम सॉर्ट ऑफ बना देंगे, यानी थोड़ा सा लो एरिया रहेगी ये चेम्बर, और यहाँ से वाटर को क्या करेंगे हम लोग, या हो सकता है देर आर चांसेस कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्रॉस ड्रेन अरेंजमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान के चलें कि इसके पैरेलल में, जस्ट मैं एक समझाने के लिए, से यहाँ पे एक ड्रेनेज अरेंजमेंट है, तो वॉट वी विल डू, वी विल पंप दिस वाटर आउट। वॉट वी विल डू, वी विल पंप आउट दिस वाटर। कैसे पंप आउट करेंगे, यहाँ से इसको पंप आउट कर दिया जाएगा इसके अंदर, तो पंपिंग अरेंजमेंट, डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी ऑफ द यार्ड विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट एरिया, पंपिंग अरेंजमेंट मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेम्बर्स और सम फॉर पंपिंग आउट ऑफ वाटर टू नियरेस्ट आउटफॉल और वाटर है। कई बार जो चेम्बर है यही काम कर सकता है, एग्जिस्टिंग चेम्बर आपका जो होगा, और कई जगह पे हमको सम बनाना पड़ेगा। सम बेसिकली क्या होता है, सम बेसिकली एक गहरी जगह होती है ना, सम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जैसे कि सम कैसा कैसा, ये यहाँ से पानी आया, यहाँ से आया, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे गहरा हमने क्या किया, डीप कलेक्शन चेम्बर बना दिया, तो ये सम कहलाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, हम लोग भी कॉल इट एज सम, कि वेरिन जो भी पानी आएगा आपका, आपने इसको इसके अंदर ले लिया, अब इसके अंदर लेने के बाद में यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने सिंपल भाषा में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से हमने एक पाइप ले ली, ठीक है नहीं, और ये जो पंप लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे कोई पंपिंग अरेंजमेंट हमारा होगा, और यहाँ से वाटर को लेके जो है इसके अंदर, क्या कहेंगे, हमारा जो है नेचुरल वाटर बॉडी, इसके अंदर हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, यहाँ से हमने इसको सक किया विद द हेल्प ऑफ पंप और इसको बाहर कर दिया, तो ये हो गया, ठीक है ना, ये अरेंजमेंट हो गया। गॉट माय पॉइंट, कि पार्ट ए हुआ। दूसरा है प्रोवाइडिंग ड्रेनेज इन यार्ड्स, प्रोवाइडिंग ड्रेनेज इन यार्ड्स, क्या कहा जा रहा है, इन ऑल न्यू यार्ड्स दिस यार्ड ड्रेनेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ऑल न्यू यार्ड, सारे नए यार्डों के लिए क्या कहा, दिस यार्ड ड्रेनेज अरेंजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, हेंस फॉर ऑल न्यू यार्ड्स एंड ड्यूरिंग मेजर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स ड्यू टू गेज कन्वर्जन डबलिंग वर्क एटसेट्रा, अ ड्रेनेज प्लान शाल बी डेवलप्ड, अ ड्रेनेज प्लान शाल बी डेवलप्ड एंड गॉट अप्रूव, शाल बी डेवलप्ड एंड गॉट अप्रूव फॉर दिस द यार्ड ड्रेनेज सिस्टम गिवेन इन दिस चैप्टर कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड। एग्जिस्टिंग के लिए तो अभी आगे बात करेंगे, नए यार्डों के लिए क्या कहा, ये जो यार्ड ड्रेनेज कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया ना, अभी तीन टाइप का उन्होंने बताया, एक था कि होम प्लेटफॉर्म है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है आइलैंड प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ दोनों तरफ होम प्लेटफॉर्म है, तीसरी तरफ जो है दोनों तरफ आइलैंड प्लेटफॉर्म है, तो इनमें से जो भी सिस्टम जैसे भी आपके यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वहां पर क्या करना है, एक ड्रेनेज प्लान बनाना है, ऑल न्यू यार्ड्स, इन ऑल न्यू यार्ड दिस यार्ड ड्रेनेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, हेंस फॉर ऑल न्यू यार्ड्स एंड ड्यूरिंग मेजर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क, नए यार्ड या फिर आपके जो एग्जिस्टिंग यार्ड का मेजर रिमॉडलिंग होता होगा, ड्यूरिंग मेजर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क ड्यू टू गेज कन्वर्जन और डबलिंग वर्क, गेज कन्वर्जन डबलिंग में, और ड्रेनेज प्लान शैल बी डेवलप्ड, एक ड्रेनेज प्लान डेवलप किया जाए एंड गॉट इट अप्रूव, एंड गॉट अप्रूव फॉर दिस द यार्ड ड्रेनेज सिस्टम गिवन इन दिस चैप्टर कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड। ये तो हो गया आपके नए यार्डों के लिए। अब बात हो रही है हमारे एग्जिस्टिंग यार्ड्स की। इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स अ डिटेल्ड सर्वे शुड बी डन टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टिंग द प्रपोज यार्ड ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहा, इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स अ डिटेल्ड सर्वे शुड बी डन टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टिंग द प्रपोज यार्ड ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो भी डिटेल सर्वे किया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो है यार्ड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसको पहले स्टडी करें। अ डिटेल सर्वे शुड बी डन टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द प्रपोज ड्रेनेज सिस्टम, यानी एक तो एग्जिस्टिंग होगा और प्रपोज वाले को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो क्या फिजिबिलिटी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो जो तीन तरीके की दिए गए थे, इनमें से कोई अगर स्पेसिफिक अगर यूज कर सकते तो यूज करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फिर आगे कहा, इन केस अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन्स ड्यू टू साइट कंडीशन, द साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस में भी इम्प्लीमेंटेड। अगर वहां पर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वहां पर लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन बनाने के लिए फिजिबिलिटी नहीं है, फिर क्या कहा,
फिर वहां पे जगह के हिसाब से साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक उन्होंने एग्जांपल इसका भी दे दिया है, एक एग्जांपल उसके लिए भी गाइडलाइन दे दिया, क्या है। वन सच ऑल्टरनेटिव इज कंस्ट्रक्टिंग चेंबर्स एट लॉन्जिट्यूडनल स्पेसिंग ऑफ अबाउट 150 to 200 मीटर। क्या कहा, एक सोल्यूशन क्या है भाई, आप लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन नहीं बना सकते, तो क्या करें आप, चेंबर बना दें। यानी आप इसको समझे क्या कहना चाह रहे, मान के चलिए यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर कोई लाइन है, और यहाँ पर ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पर हम लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन यहाँ नहीं बना पा रहे, यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन बनाना था ना, ये हम नहीं बना पा रहे, कुछ है साइट कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि आप नहीं बना सकते, ठीक है। तब क्या कहा, ठीक है अब ये नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप क्या करें, करीबन हर 150 200 मीटर की दूरी पे, ये यहाँ पे उनका कहना है, 150 से 200 मीटर की दूरी पे चेम्बर बना दे कम से कम। इस प्रकार से चेम्बर, मैंने ये जो स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस बनाए, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आई मीन, ये बना दे, ठीक है। तो वन सच ऑल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टिंग चेम्बर्स एट लॉन्जिट्यूडनल स्पेसिंग ऑफ अबाउट 150 to 200 मीटर, तो इनके बीच की दूरी के बारे में बात हो रही है, तो ये करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पे इस प्रकार से ये आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, 150 से 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे चेंबर ऐसे इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। किस आधार पे कहा, तो क्या कहा, बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट्स इन द यार्ड्स एंड कलेक्टिंग द वाटर, ठीक है, यार्ड एंड कलेक्टिंग द वाटर फ्लोइंग बिटवीन द ट्रैक्स इन दिस चेंबर्स, तो ये जो पानी होगा जाके इसमें जमा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी पानी जमा होगा, अभी इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे अज्यूम करते हैं हम लोग, ये इसमें जो भी पानी यहाँ पर आएगा, ये सारा का सारा पानी जो है इस प्रकार से होगा कि ये जो भी चेम्बर हमने बना रखे हैं ये इनके अंदर पानी चला जाए, है कि नहीं, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा। इन चेम्बर्स में पानी को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट। इनको डायरेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर से अब आप क्या करेंगे, इसको पंप आउट करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू पंप आउट द वाटर कलेक्टेड इन चेम्बर्स कैन बी टेकन टू सुटेबल आउटफॉल अरेंजमेंट आइदर बाय पंपिंग आउट और थ्रू क्रॉस ड्रेन। अगर यहाँ से पॉसिबल है कि क्रॉस ड्रेन दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, इनको जो है कुछ आपके क्रॉस ड्रेन्स हो गए उनके थ्रू क्या करेंगे, पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्रॉस ड्रेन्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे हमने अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था कि पंप लगा के पंप की सहायता से पानी को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, दी लोकेशन ऑफ सिग्नल मास्ट, देखिए कुछ ना कुछ हर्डल्स आते रहते हैं, दी लोकेशन ऑफ सिग्नल मास्ट, वाटर हाइड्रेंट्स, ओएचई मास्ट, सिग्नल टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स इन द यार्ड शाल बी केप्ट इन माइंड, दीज शाल बी केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द ड्रेनेज लेआउट ऑफ द एग्जिस्टिंग यार्ड, सुटेबल मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, सुटेबल मॉडिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड टू डाइवर्ट और मॉडिफाई और रीफिक्स दीज इंस्टॉलेशन शैल बी डन टू अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्री फ्लो ऑफ ड्रेनेज वाटर। देखिए दोस्तों, अभी हमने जो अरेंजमेंट देखा उसको ऑन पेपर हमने देखा, ये अलग अलग टाइप्स हैं। फील्ड में जाएंगे तो पता चला कहीं पे सिग्नल मास्ट है उसका फाउंडेशन है, तो कहीं वाटर हाइड्रेंट है, तो कहीं ओएचई का मास्ट है, कहीं सिग्नल टेलीकॉम का एलओसी बॉक्स है, कहीं इलेक्ट्रिकल केबल्स है, जगह जगह पे चीजें आ रही, जिस वजह से जो मैं ऑन पेपर डिजाइन मैंने किया वो वहां पे फिजिबल नहीं है। तो डिजाइन करने के टाइम पे ये कंस्ट्रेंट्स पहले ले लिए जाए, डिजाइन करने के टाइम पे ये कंस्ट्रेंट्स को पहले ले लिया जाए, और उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में क्या किया जाए, ये कंस्ट्रेंट्स को लेने के बाद में अकॉर्डिंगली, व्हाट आई एम सेइंग, अकॉर्डिंगली सुटेबल मॉडिफिकेशंस अगर करना पड़े तो कर दें, ताकि वाटर का फ्री फ्लो जो है ड्रेनेज का वो अफेक्ट ना हो। देखिए क्या होता है, क्या होता है, देखा आपको मैं बताता हूँ, एक अरेंजमेंट है कि पानी सीधा ऐसा चला जाए इस ड्रेन से। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसी के सिग्नल का कोई मास्ट है यहाँ पर ना, इस लाइन में मान के चलो, ये मैं तो ये तो हमारा डिजाइन का प्रपोज, यहाँ कहीं है कहीं ओएचई का मास्ट है कहीं कुछ है, अब क्या होगा, मॉडिफिकेशन क्या होगी इसकी, इसकी मॉडिफिकेशन ये होगी कि आप अब सीधा नहीं जा सकते ना, तो ये इधर गए फिर ये इधर आए फिर ऐसा गए फिर ऐसा गए, यानी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत कम दूरी पे, यानी एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अब यहाँ से गए और यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से गए, ये लो इसको ऐसा ले लिया, फिर इसको ऐसा ले लिया,
अब इसे फ्री फ्लो कैसे होएगा दोस्तों बताओ, जगह पे इतना घूमेगा तो क्या होएगा? देखो पानी, आप बोलिए पानी तो कैसा भी जा सकते हैं, ठीक है, इफ इट इज जस्ट अ वाटर इट कैन गो नो डाउट, बट हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसके साथ में कुछ क्या कहेंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ वहां पे इसके अंदर गार्बेज वगैरह भी होता है ना, लोगों ने वह रैपर जो जहां पर भी जंक्शन होता है वहां जाके इट विल क्रिएट ब्लॉकेज। फ्री फ्लो कैसे होगा? जहां पर भी जहाँ पे कर्वेचर आएगा वहां जाके वो जाके ब्लॉकेज का कारण बनेगा। तो जहां तक होगा पॉसिबल ये सब चीजों का अवॉइड करना है ना, तो मॉडिफिकेशन ऐसे कर लिए जाए ताकि वो ये सब चीजें ना हो। एग्जिस्टिंग सिस्टम में यहाँ पे हमारे रेलवे में कई जगह पे ऐसी चीजें देखने को आपको मिलती है, ठीक है, वो बना दिया है, लेकिन इसको फेज्ड वे में जो है ना उसको रूट आउट करके उसका रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट हमारा जो है इस पॉइंट नंबर 4, द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द यार्ड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी कैरिड आउट इन अ प्रोफेशनल मैनर। यही मैंने अभी आपसे कहा ना, अभी थोड़ा टाइम पहले जब हमने देखा क्या था, दैट वाज अनप्रोफेशनल वन, इसलिए क्या कहा, देखिए अब कैसा था, जहां जैसी लैंड अवेलेबल हुई, जहां जैसी जगह मिली, हमने बनाते चले गए। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल मैनर, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वन। इसको एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको बताया ना सोर्सेस ऑफ जो है ब्लॉकेज और ये सारी चीजें, ये सब है, तो क्या कहा, द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द यार्ड ड्रेनेज सिस्टम शुड बी कैरिड आउट इन अ प्रोफेशनल मैनर। इसको बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, प्रोफेशनली इट हैज टू बी डिजाइन, ठीक है। फिर इसके बाद में पार्ट सी, पैरा 634 का पार्ट सी है, क्रॉस स्लोप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन, क्रॉस स्लोप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही, क्रॉस स्लोप समझ गए ना, परपेंडिकुलर, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, टॉप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशंस फॉर ब्लास्टेड ट्रैक एज वेल एज फॉर कॉन्क्रीट एप्रॉन्स। अब तो हमारा ब्लास्टलेस ट्रैक आ गया पीवी मैनुअल के अंदर लेटेस्ट करेक्शन स्लिप के हिसाब से, उसको भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से। टॉप ऑफ ट्रैक फॉर्मेशन यानी ट्रैक का जो फॉर्मेशन है उसका टॉप, फॉर ब्लास्टेड ट्रैक एज वेल एज कॉन्क्रीट एप्रॉन, ब्लास्टेड ट्रैक हो चाहे कॉन्क्रीट एप्रॉन हो, और एक चीज और ले लेते हैं, ब्लास्टलेस ट्रैक BLT जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सब ले लेते हैं। टॉप ऑफ फॉर्मेशन फॉर ब्लास्टेड ट्रैक कॉन्क्रीट एप्रॉन और ब्लास्टलेस ट्रैक शुड हैव व्हाट, शुड हैव क्रॉस स्लोप टुवर्ड्स द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन। तो इनका जो स्लोप होगा लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन की तरफ होगा। अभी मैंने डायग्राम शुरुआत में बनाया था तो यही बताया था ना आपको मैंने, लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन के टाइम पे, तो जो भी फॉर्मेशन टॉप से जो भी पानी आएगा, चाहे वो ब्लास्टेड ट्रैक होगा तो ब्लास्ट में से परकोलेट होकर आएगा, कॉन्क्रीट एप्रॉन होगा तो सरफेस से जाएगा, ब्लास्टलेस ट्रैक होगा तो सरफेस से जाएगा। दे शुड हैव क्रॉस स्लोप टुवर्ड द लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन, जहां ड्रेन है उस तरफ पानी जाना चाहिए। इन न्यू यार्ड दिस कैन बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ट्रैक। नए यार्ड है तो नए ट्रैक बनाने के टाइम पर ही इसका ख्याल रखा जाए। फॉर यार्ड बींग रीमॉडल्ड ड्यू टू गेज कन्वर्जन और डबलिंग, क्या कहा जा रहा है, फॉर यार्ड बींग रीमॉडल, यहाँ पे यार्ड रीमॉडलिंग, फॉर यार्ड बींग रीमॉडल्ड ड्यू टू गेज कन्वर्जन और डबलिंग दिस कैन बी इंश्योर्ड फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्रैक। तो रीमॉडलिंग अगर कर रहे हैं गेज कन्वर्जन के कारण हो या डब्लिंग जो भी कारण, उस टाइम पे कोशिश किया जाए कि नए ट्रैक बनाने के टाइम पे इस चीज का ख्याल रखा जाए क्रॉस स्लोप का। इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स, फिर एग्जिस्टिंग यार्ड्स के बारे में क्या कहा, इन एग्जिस्टिंग यार्ड्स और ट्रैक्स नॉट न्यूली लेड ड्यूरिंग यार्ड रिमॉडलिंग सच क्रॉस स्लोप्स कैन बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डीप स्किनिंग वर्क। एग्जिस्टिंग यार्डों के अंदर जहां पर कोई नया ट्रैक नहीं बिछाया है या रीमॉडलिंग वगैरह ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो वहां क्या करेंगे, जब भी हम लोग डीप स्क्रीनिंग जाएंगे ना ट्रैक का करने, उस टाइम पे क्रॉस स्लोप टुवर्ड्स लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन प्रोवाइड कर देंगे। तो यही कहा, सच क्रॉस स्लोप्स, क्या कहा, सच क्रॉस स्लोप्स कैन बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग डीप स्क्रीनिंग, और डीप स्क्रीनिंग के समय पे इसको हमें कर लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने दो पैराग्राफ आज पढ़ा, पैरा 633 एंड 634। ये जो करेक्शन स्लिप है दोस्तों इसमें अभी और भी गुंजाइश है, पैरा 635 भी हमारा है जो कि काफी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। दोस्तों हम ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, आपके लिए मुश्किल होगा उसको रीड करने के लिए, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट पार्ट में लेंगे दोस्तों, उस टाइम हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे जो भी चीजें और जो भी फीचर्स है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का मेरा जो ये करेक्शन स्लिप का जो ये
वीडियो है वर्क्स मैनुअल का, ये समझ में आया होगा आपसे। अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी जो इसका फायदा पहुंचे, ठीक है नहीं दोस्तों? तो चैनल आप बाकी आप सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। थैंक यू फ्रेंड्स।